न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को कुचला, एक की मौत। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर डीटीपी की कलेक्टर बस स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया। इस हादसे में एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला द्वारका मोड़ का है। यहां दिल्ली परिवहन निगम की बस रूट संख्या 764 ने दो लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना बुधवार सुबह की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान बापरोला गांव निवासी पंकज के रूप में हुई है, जबकि घायल की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह द्वारका मोड़ से सूचना मिली कि एक कलेक्टर बस ने दो युवकों को टक्कर मार दी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की टीम पहुंच गई। हादसे के कारण मौके पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने दोनों को वहां से हटाकर दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। द्वारका जिले के डीसीपी एन हर्षवर्धन ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर बस से स्कूटी की टक्कर हुई थी, जिसमें स्कूटी सवार एक शख्स की मौत हो गई है। नगरी सक्रावती के पास इस बस ड्राइवर ने पहले स्कूटी पर जा रही एक महिला व उसके बच्चे के पास जाकर तेज ब्रेक लगाकर उसे टक्कर मार दी, जहां स्कूटी सवार महिला व बच्चा बाल बाल बचे। कुछ दूर पहुंचने पर दोबारा एक स्कूटी सवार बस की चपेट में आने से बचा। ऐसे में यात्रियों ने भी बस चालक का विरोध किया, लेकिन बस चालक अपनी धुन में तेज रफ्तार से चलाता रहा और अंत में द्वारका मोड़ पर एक दूसरी बस को ओवरटेक करने के चलते यह भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर डीटीसी की कलस्टर बस ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया। इस हादसे में एक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला द्वारका मोड़ का है। यहां दिल्ली परिवहन निगम की कलस्टर बस रूट संख्या 764 ने दो लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे में दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना बुधवार सुबह की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पहचान बापरोला गांव निवासी पंकज उम्र 34 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि घायल की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह द्वारका मोड़ से सूचना मिली कि एक कलस्टर बस ने दो युवकों को टक्कर मार दी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की टीम पहुंच गई। हादसे के कारण मौके पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने लोगों को वहां से हटाकर दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। द्वारका जिले के डीसीपी एम हर्षवर्धन ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि कलस्टर बस से स्कूटी की टक्कर हुई थी, जिसमें स्कूटी सवार एक शख्स की मौत हो गई है। नगली सक्रावती के पास इस बस ड्राइवर ने पहले स्कूटी पर जा रही एक महिला व उसके बच्चे के पास जाकर तेज ब्रेक लगाकर टक्कर मार दी, जहां स्कूटी सवार महिला व बच्चा बाल बाल बचे। कुछ दूर पहुंचने पर दोबारा एक स्कूटी सवार बस की चपेट में आने से बचा। ऐसे में यात्रियों ने भी बस चालक का विरोध किया, लेकिन बस चालक अपनी धुन में तेज रफ्तार से चलता रहा और अंत में द्वारका मोड़ पर एक दूसरी बस को ओवरटेक करने के चलते यह भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।